टीकमगढ़ जिला संयुक्त कार्यालय परिसर में विद्युत आउटसोर्स कर्मचारियों ने एकत्रित होकर दो सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में 45,000 कर्मचारी हैं, जो 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने हम कर्मचारियों को नियमित नहीं किया, ना ही अभी तक संविलियन किया। उन्होंने कहा, निजी ठेकेदारों द्वारा हम कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। विभाग द्वारा हम विद्युत कर्मचारियों को न तो किसी प्रकार की सुरक्षा किट वितरण की गई और कभी भी असुरक्षा के चलते कोई भी हादसा होने का खतरा बना रहता है। अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए सभी विद्युत आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार से नियमित करने की मांग की। टीकमगढ़ से मनोज खरे और सुबोध पाठक की रिपोर्ट। आज जो आप ज्ञापन दे रहे हैं, किस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं, क्या है? ये हमारा जितने आउटसोर्स कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में 45 आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो लगभग 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं, तो अभी तक सरकार ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा है। हम लोगों का हर रोज़ शोषण हो रहा है और दिन पे दिन ठेका कंपनी अधिकारियों द्वारा निकालने की धमकियाँ दी जाती हैं। इस पर सरकार कुछ नहीं करे, तो हमारा एक ही सरकार से एक ही मांग है कि हमारा कंपनी संविलियन किया जाए, ताकि हम इस बिचौलियों से और इस शोषण से मुक्त हो सकें। इसी संबंध में हमने ऊर्जा मंत्री को एक माह पहले भी ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने एक माह का समय दिया था, जो 23 नौ को पूरा हो गया समय, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी लिखित आदेश नहीं निकाला है, जिसके लिए हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। लगभग कितने कर्मचारी? हम लोग 423 कर्मचारी हैं टोटल सर्कल में। कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा आपको? अभी तक हम लोगों को जैसे कि साप्ताहिक अवकाश है और किसी प्रकार की कर्मियों को छुट्टी दी जाती है, और जो हमारे उस कर्मचारियों का एक्सीडेंट होता है उसमें भी किसी प्रकार की कोई राहत ना आर्थिक सहायता कुछ नहीं मिलता है। पीएफ भी समय से नहीं कटता है, जो पिछली कंपनी इस कंपनी ने तो और ज़्यादा शोषण चालू कर दिया है, ना समय से वेतन मिल रहा है, ना पीएफ कटा, अभी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और ना किसी प्रकार के आइडेंटिटी कार्ड जारी किए गए हैं। आप लोग कब से परेशान हुए इस समस्या से? कम से कम हम लोग 7-8 महीने हो गए तब से परेशान, जब से कंपनी आई है इससे ज़्यादा परेशान हो गए। कौन सी कंपनी है ये? इस कंपनी ग्लोबल मेसर्स ऑल सर्विस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हमारा सर बिजली कंपनी सम्मिलन किया जाए, तभी इसे शोषण से मुक्त हो पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।